हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं तुरई तुरई की सब्जी। 1 किलो तुरई लेके हमने इनको अच्छे से साफ करके छील के कट कर लिया है। जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा टमाटर इसको भी हमने कट कर लिया है, 2 से 4 हरी मिर्च। सब्जी बनाने के लिए हमने गैस पर रख दिया कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल देते हैं तेल। 1 चम्मच तेल हम डालेंगे क्योंकि तोरी की सब्जी में तेल कम ही अच्छा लगता है। 1 चम्मच हमने तेल डाल दिया और गर्म होने के लिए रख देते हैं। हमारा तेल हो गया है गर्म, तेल में हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। जीरा को अच्छे से चटका लेते हैं, डाल देते हैं कटा हुआ प्याज। प्याज को हम अच्छे से मिला लेते हैं, प्याज को हम गोल्डन होने तक पकने देते हैं, फिर इसमें डालेंगे कुछ और पिसे हुए मसाले। हमारी प्याज थोड़ी हल्की हो गई है तो हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च, क्योंकि इसमें थोड़ा हरी मिर्च का भी फ्लेवर आ जाएगा। हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छा लगता है सब्जी में। ये देखिए, अब इसमें डाल देते हैं हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो पिसा हुआ रखा था, अभी हमने आपको दिखाया था। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, डाल देते हैं कुछ टमाटर आधे जो भी कट कर रखे हुए थे, इसको 2 मिनट के लिए ढककर हम अच्छे से भून लेते हैं। हमारा ये थोड़ा मसाला भूनते हो गया, हल्का हल्का तेल ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले, मिर्च मसाले, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप कश्मीरी मिर्च पाउडर डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं डालना चाहें तो आपकी मर्जी है। इसे मिला देते हैं मसाले को, इसको हम धीमी आग पर पकाते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद हम गैस को ढक देते हैं, गैस को कर देते हैं मीडियम आंच पे। हम अपने मसाले को एक बार बीच में चला के देख लेते हैं, अच्छे से मिला देते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं कश्मीरी पत्ते, कसूरी मेथी को अच्छे से हम इसमें मिला देते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मसाले को जब भूने उसी टाइम आप थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें। एक मिनट के लिए फिर से ढक के रख देते हैं, अभी हमारा मसाला भुना नहीं है, तेल ऊपर नहीं आया है। हम अपने सब मसाले को एक बार देख लेते हैं। देखो दोस्तों, हमारा मसाला भुन गया है, भुन के हो गया तैयार। अभी हम इसमें डाल लेते हैं 1/2 चम्मच देसी घी। आप तोरी में 1/2 चम्मच देसी घी डाल के बनाओगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट होगा, आप एक बार ट्राई करना प्लीज़ इसको बनाने की। देसी घी डाल के, कसूरी मेथी डाल के आप इस तरीके से बनाओगे तो आपके घर में सब लोग खाना पसंद करेंगे तोरी। मेरे घर में तो बहुत खाते हैं तोरी, इस तरीके से मैं बनाती हूँ। इसको हम अपने मसाले को चेक कर लेते हैं, हमारा मसाला भून के हो गया एकदम रेडी। अब हम इसमें डाल देते हैं, देखिए कटे हुए तोरी जिसको हमने कट करके धो के साफ करके रख रखा था, डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। नमक इसमें आप कम ही डालें क्योंकि ये तोरी एकदम कम हो जाती है बनने के बाद, अगर आप ज़्यादा नमक डाल देंगे तो नमक फिर ज़्यादा हो जाएगा। और इसको हम बिल्कुल धीमी आग पे बनने के लिए रख देते हैं, इसमें हम कोई पानी नहीं डालेंगे, ये अपना इतना सारा पानी छोड़ती है क्योंकि ये इसी में बन जाती है। हम कभी भी तोरी के अंदर, घिया के अंदर पानी नहीं यूज़ करते, खाली मसाले में भून कर तैयार करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको अच्छे से मिला कर ढक देते हैं। एक बार हम इसको बीच में चला के देख लेते हैं दोस्तों, देखो हमारी तोरी पानी छोड़ रही है, ये देखिए हमने कोई पानी नहीं डाला इसमें, ये इसी का पानी है और इसी के पानी में ये बन के तैयार होगी। ये देखिए पानी छोड़ दिया हमारी तोरी में, धीमी आग पे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके धीरे 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 ये बनती रहेगी। अभी थोड़ी देर में ये बन के हो जाएगी तैयार, ढक देते हैं इसे। अब हम अपनी सब्जी को एक बार बीच में चला के देख लेते हैं, देखो दोस्तों कितना पानी रिलीज हो गया इसमें से, देखिए ये देखिए
अगर आप तेज आग पे पकाओगे तो पानी नहीं छोड़ेगा और सब्जी जल जाएगी और इसमें पानी आपको डालना पड़ेगा ऊपर से। लेकिन आप धीमी धीमी आग पे इसे बनाओगे तो देखिए खुद ही पानी अपना छोड़ देगा, इसी में भी बन के तैयार हो जाएगी। ये देख लिए, इसको हम अच्छे से मिला देते हैं और ये आधी गल भी गई है। अभी जो बचा है वो इसको हम ढक के रख देते हैं, ढकने के बाद फिर से आपको दिखाते हैं। हमारी तोरी को हम चला के देख लेते हैं, ये देखो हमारी तोरी बन के तैयार। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और ये ऐसी अच्छी अच्छी और रेसिपी देखने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिए। बाय।